स्वागत है आपका अखबार जगत में। मैं हूँ आपके साथ तनवीर खान। बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। अडानी इंटरप्राइजेस ने बुधवार को अपने 20,000 करोड़ रुपए के अनुवर्ती सार्वजनिक निर्गम को वापस लेने और निवेशकों का पैसा लौटाने की घोषणा की है। हालांकि कंपनी के FPO को मंगलवार को पुनर्भिदान मिल गया था। कांग्रेस ने अडानी इंटरप्राइजेस पर कटाक्ष करते हुए गुरुवार को कहा कि अडानी का नैतिक रूप से सही होने की बात करना वैसा ही है जैसा उनके प्रधान मेंटर द्वारा विनम्रता, सादगी और विशाल हृदय के सद्गुणों का उपदेश देना है। वहीं पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा कि यह एंटायर पॉलिटिकल साइंस है। आपको बता दें कि अडानी इंटरप्राइजेस ने बुधवार को अपने 20,000 करोड़ रुपए के अनुवर्ती सार्वजनिक निर्गम को वापस लेने और निवेशकों का पैसा लौटाने की घोषणा की है। हालांकि कंपनी के FPO को मंगलवार को पूर्ण अभिदान मिल गया था। वहीं अनुमान लगाया जा रहा है कि अडानी इंटरप्राइजेस ने यह कदम अमेरिका की शॉर्ट सेलिंग कंपनी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद उठाया है। इसके बाद अडानी इंटरप्राइजेस के अध्यक्ष गौतम अडानी ने FPO को पूर्ण अभिदान मिलने के बाद कल उसे वापस लेने के फैसले से कई लोगों को हैरानी हुई होगी, लेकिन कल बाजार में आए उतार चढ़ाव को देखते हुए बोर्ड को लगता है कि FPO को जारी रखना नैतिक रूप से सही नहीं होगा। आपको बता दें कि अडानी प्रकरण के बीच बुधवार को संसद में भी इस पर विपक्ष का हमला शुरू हो गया था। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि एक संयुक्त संसदीय समिति या सुप्रीम कोर्ट के CJI को देखरेख में इस मामले की जांच होनी चाहिए। वहीं कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि हम मांग करेंगे कि कथित गड़बड़ी की जांच के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया जाए। वहीं अडानी समूह के खिलाफ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि सवाल केवल एक प्रमोटर के बारे में नहीं है, बल्कि ये पूरे रेगुलेटरी सिस्टम पर सवाल खड़ा करता है।